टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। तो इसके अंदर आप ये डायग्राम बनाएं, तो पहला मान लो एक सोलेनोइड ऐसी है, रेड है, और दूसरी इसी के अंदर सपोज ब्लू है, कोई भी कलर ले लें दूसरा कुछ ऐसा। दो सोलेनोइड्स हैं और ये जो रेड वाली है इसका नंबर या ब्लू वाली का नंबर वन कर देते हैं और रेड वाली का नंबर टू नंबर कॉइल कर देते हैं, वन एंड टू। तो वन का मतलब प्राइमरी, टू का मतलब सेकेंडरी। वन का मतलब प्राइमरी, टू का मतलब सेकेंडरी। भाई किताब की लैंग्वेज भी तो सीखनी है, वन टू मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि वन का मतलब प्राइमरी, टू मतलब सेकेंडरी, तो शायद लोग ये सोचते हैं प्राइमरी का मतलब एक नंबर, सेकेंडरी मतलब दो नंबर, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। कैसे पहचान होती है प्राइमरी सेकेंडरी की, क्या बताया था? जिसमें करंट जाएगा वो प्राइमरी और जिसमें नहीं जाएगा वो सेकेंडरी। तो अगर मैंने इसका नाम प्राइमरी लिखा तो फिर ये ब्लू वाली कॉइल में करंट भेजो आई, ये लो आई करंट आपने ब्लू कॉइल में भेज दिया, तो अब ये क्या बन गई? प्राइमरी। अगर मैं रेड में भेजता तो रेड क्या बन जाती? प्राइमरी। फिर टू नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सही है? क्या डाउट यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर आपको ये लेना पड़ेगा कि मान लो एन वन एंड एन टू आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टू सोलेनोइड, और इसके अंदर ऐसा भी कर लेना कि जो ब्लू कॉयल है इसका जो रेडियस है ब्लू कलर का वो मान लो R1 है, और रेड कलर वाली कॉइल का रेडियस थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मान लो वो R2 है। अलग अलग ले लिया, R1 एंड R2 ज्वाइन इसमें बना लो, और इसमें जो लेंथ है टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड को बना लो L, जो कि दोनों की कॉमन है L। तो इसमें लिखो L इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड, L इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये भी लिख सकते हैं एन वन एंड एन टू आर नंबर ऑफ टर्न्स, ओनली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू सोलेनोइड, ठीक है। तो एन वन एन टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू सोलेनोइड। क्लियर है यहां तक? तो बिल्कुल मेंशन कर रहा हूं इसमें, यहां तक लिख लिया। और इसमें अब शुरू कैसे करना है उसको पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर मैं दो मिनट दूंगा, आप प्लीज लिख, आराम से लिख लेना, समझते हुए लिखना मत, मेरी रिक्वेस्ट है, गुम जाएंगे बीच में नहीं तो। यहां तक लिख लिया, ठीक है? ठीक है, अब ये देखो आपने इसको ऐसे देखना है, मैं दो मिनट को हटा रहा हूं, जगह चाहिए मुझे। ये लो, मैंने करंट ब्लू कलर कॉइल में सेंड किया प्राइमरी में, तो फ्लक्स किसका चेंज हुआ? सेकेंडरी का। तो ब्लू कलर की जो कॉइल है वो अपने एक्सिस पे बी जनरेट करेगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट एन वन इंटू आई, क्योंकि एन वन ब्लू कलर की कॉइल, एन वन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ तो कॉइल नंबर वन है, तो यहाँ पर एन नहीं लिखना, यहाँ पर एन वन लिखना है, कोई डाउट? और इसमें करंट कितना पास किया मैंने? आई, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स मान लो फाइ इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स तो कौन सी कॉइल का? ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का नंबर क्या है? टू नंबर कॉइल। तो फाइ इज टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स होता क्या है? बी इंटू एरिया। अब जो लाल वाली कॉइल है उसने तो करंट नहीं पास किया अपने अंदर, लेकिन उसने बी कौन सा यूज करना है? ब्लू कॉइल का, क्योंकि एक्सिस दोनों के कॉमन है। तो मैं काम करता हूं बी में, इसमें यूज करता हूं, अब लाल रंग की कॉइल का फ्लक्स निकल रहा है, लेकिन बी कौन सा यूज करेंगे इसमें? म्यू नॉट एन आई। बी वन कर देता हूं, यहां पर वन कर लो, बी वन हम यूज करेंगे फर्स्ट कॉइल का, लेकिन एरिया ये कौन सा यूज करेगी? अपनी क्वाइल का। एरिया क्या है? पाई इंटू आर टू स्क्वायर, पाई इंटू आर टू स्क्वायर, देख रहे हो? एरिया अपने यूज करेगी, बी ब्लू का यूज करेगी, और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने ही यूज करेगी, जो कि कितने हैं? एन टू, क्योंकि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई टू कर लेते हैं, सेकेंडरी क्वाइल है,
सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो बी वन फर्स्ट कॉइल का, एरिया अपना सेकेंड का, और नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन इस रेड कलर की फ्लक्स, कॉइल का फ्लक्स हम निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला एम इनटू करंट किसका, सेकेंड कॉइल का, ऐसे। क्योंकि ये जो फ्लक्स फॉर्मूला यूज करता है एम आई, ये इसके अंदर कैपिटल एम के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी छुपे हुए हैं, इसलिए ये हमेशा आपको टोटल फ्लक्स ही देता है पूरे कॉइल का। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें कभी भी नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपको टोटल फ्लक्स ही देगा। तो अब आपके पास ये भी फ्लक्स आ गया, आपके पास ये भी फ्लक्स आ गया, आप इक्वेशन नंबर वन एंड टू को इक्वेट कर लें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा एम इंटू आई इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है बी वन, इंटू रेड कलर की क्वाइल का एरिया पाई आर टू स्क्वेयर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन टू। और अब मैं यहां पर वैल्यू यूज करने वाला हूं बी की, बी की वैल्यू क्या है म्यू नॉट एन वन आई, और रेड कलर में एज इट इज चल रहा है पाए आर टू स्क्वेयर एन टू। ठीक, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसल, और फाइनली आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा म्यू नॉट एन वन एन टू पाए आर टू स्क्वेयर। और आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि इसमें कैपिटल एम की वैल्यू म्यू नॉट एन वन को लिख लें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एन टू इंटू पाए इंटू आर टू स्क्वेयर, या फिर कैपिटल एम इज म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू एन टू इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एल। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन, यहां तक आपको पेपर में करके आना है कैपिटल एम। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब इसे नोट करें, ठीक, एक एक स्टेप, और हो सके रंग बिरंगे ऐसे यूज करना ताकि वो क्लियर हो जाए कि बी किसका फर्स्ट कॉइल का और फ्लक्स किसका सेकेंड कॉइल का। बुक्स इसको वन एंड टू में लिखती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, बस ये फर्क है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये डेरिवेशन आपने करके आनी है और टेस्ट के अंदर ये आएगी।